सुख में हो या दुख में, हर सिचुएशन का डील आसानी से करती है, हर घर को रोशन करे ऐसी नारी शक्ति है। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द वुमेन, आप हैं तो हम हैं। और आज इसी वुमेंस डे के मौके पे मैं मनीष झा आप वुमेंस के लिए ऐसे 6 लीगल राइट लेकर आया हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, कभी भी ये काम आ सकती है। तो ऐसा इंडियन कानून, ऐसा इंडियन लॉ क्या अधिकार देता है एक वुमेन को स्पेशल, उसी के बारे में हम समझेंगे आज। चलिए समझते हैं। देखिए, पहला राइट्स है कि राइट्स टू स्टे एनोनमस। अगर कोई महिला या वोमेन की कभी भी किसी सिचुएशन में अगर वो सेक्सुअली असॉल्ट होती है, वो विक्टिम होती है और उसे लगता है कि उसकी आइडेंटिटी बचाने से उसे समाज में उसका कैरेक्टर जज नहीं होगा, तो वो अपनी आइडेंटिटी छुपा सकती है, उस पर स्टे लगा सकती है। ये उसका राइट है, चाहे वो कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान हो या इंट्रोगेशन के दौरान हो, टिल द जजमेंट, आफ्टर द जजमेंट उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी। तो ये अधिकार उसको आईपीसी देता है, आईपीसी का प्रोविजन है। चलिए दूसरा राइट को आर्यन समझिए। दूसरा राइट बताता है कि राइट रिलेटेड टू अरेस्ट। देखिए, मेन का केस अलग होता है, लेकिन वोमेन के अरेस्ट के केस में बहुत ही डिफरेंट है, इस चीज को ध्यान से समझिए। एक वोमेन को आफ्टर सनसेट मतलब सूर्य अस्त होने के बाद और बिफोर सनराइज मतलब सूर्य उदय होने के पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता। वोमेन सिर्फ सुबह 6 से लेकर शाम 6 के बीच में ही अरेस्ट हो सकती है, और अगर आफ्टर सनसेट उसे अरेस्ट किया जाता है तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन होना चाहिए और उस वक्त एक लेडी कांस्टेबल का प्रेजेंस होना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, उसके अलावा नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, ये आपको CRPC 46(4) प्रोविजन देता है। चलिए तीसरे राइट के बारे में समझिए, राइट टू सीक अबॉर्शन। लास्ट ईयर्स सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था कि अबव 18 ईयर्स जो भी वोमेन है उन्हें ये राइट मिलता है अबॉर्शन का, लेकिन कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि अगर किसी वोमेन को लगता है कि अबॉर्शन ना कराने से उनके हेल्थ फिजिकली या मेंटली प्रॉब्लम हो सकते हैं उन्हें, तो वो करवा सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनका बेबी आने वाला फ्यूचर जो है वो हैंडीकैप हो सकता है, तो उस इस राइट्स का वो यूज कर सकती है। साथ ही साथ अगर वो सेक्सुअली असॉल्ट हुए हैं तो वो इस राइट्स का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। चौथा राइट है राइट रिलेटेड टू लीगल एड। अगर उन्हें किसी भी वोमेन्स को अगर कोर्ट में एडवोकेट नहीं मिलता है तो वो गवर्नमेंट से फ्री लीगल हेल्प ले सकते हैं, ये उनका राइट है और मिलता भी है। पांचवा राइट इन द प्रॉपर्टी इक्वली। देखिए, पहले हुआ करता था कि सन का प्रॉपर्टी पे एक अलग हक होता था, डॉटर का अलग, लेकिन लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट एक लैंडमार्क जजमेंट में ये बताया कि डॉटर और सन अपने फादर और एंसेस्टर प्रॉपर्टी पे इक्वली राइट बनता है उनका, जब तक कोई विल ना बना हो। तो एक डॉटर का अपने फादर पे भी, उनके प्रॉपर्टी पे इक्वली राइट होता है जितना कि एक सन का होता है, इस चीज़ को भी ध्यान से समझ लें। साथ ही साथ सिक्स, लास्ट बट नॉट लिस्ट, राइट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान ने एक वोमेन को बहुत सारे राइट्स दिए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा राइट्स है वो है फंडामेंटल राइट्स। वो आते हैं आपके 14, 15, 16, 19, 21 के बीच में, जहां राइट टू लाइफ, उसके बाद आपका साथ इक्वालिटी, उसके साथ ही राइट्स टू आपके मिलते हैं जो भी वेजेज होते हैं इक्वल वर्क के लिए, ये सारे प्रोविजन हैं। तो ये सारे राइट्स एक वोमेन को दिए जाते हैं स्पेशली। उम्मीद करता हूं कि राइट्स आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर और कुछ राइट्स के बारे में जानना हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, और वीडियो को ऐसे ही लाइक और प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।